गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी माँ, बेटी और पत्नी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादा पराठे बनाकर बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा, और फिर पिताजी भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूँगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती। अरे भाई, जरा मेरे पराठे में गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठों के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठों के साथ अचार चाहिए। मुझे पराठों के साथ दही चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये गौरव सब्जी के पैसे अलग से मांग रहा है। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। अरे सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुँचा। क्या हुआ? रेहड़ी पर ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही, सारी चीजें पराठों के साथ चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गाँव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी पत्नी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से झरने गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज पूरब दिशा से आ रही है। गौरव और उसकी पत्नी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें झरना मिला। ये झरना तो बहुत खूबसूरत है। गौरव और उसकी पत्नी ने जी भर कर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वे चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज झरने के पीछे से आ रही है। झरने के अंदर घुसकर देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन झरने के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी झरने में से एक आवाज आई। ये किसी तरह का जाल नहीं है, मेरी मदद करो, मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से मुक्त करो। मुझे झरने के पार जाना ही होगा गीता। अगर मैं वहाँ कैद होता तो क्या मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आकर कैद से आजाद करें? गौरव झरने के पार गया तो उसने देखा कि एक साधु एक कटीले खंभे से बंधा हुआ है। साधु की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और साधु आजाद हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक साधु हूँ और मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। मैं व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तब उन्होंने मुझे इस झरने के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हें चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हैं तो तुमने स्वयं को खुद ही आजाद क्यों नहीं कर लिया? मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी ससुराल पहुँचना है और देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु गौरव से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को आशीर्वाद दिया। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है। लेकिन तभी तीसरे आदमी की प्लेट में से अचार निकलने लगा।
सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इन लोगों को सब्जी दही अचार नहीं दिया, तो भी इनकी प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही साधु आया जिसे गौरव ने झरने के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा जरा दो पराठे लगा देना सब्जी दही और अचार के साथ। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उस साधु की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी दही अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बता दिया कि ये चमत्कार एक साधु की वजह से हो रहा है जिसे गौरव ने झरने के पीछे के कैद से मुक्त किया था। वे साधु झरने के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचा करता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्द ही अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ झरना था। दीपक बंदूक लेकर साधु के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बुढ़ो, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के बराबर में रेहड़ी लगाता हूँ। तूने गौरव को वरदान देकर बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा था, मैंने तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भर दिया था। मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे, चुपचाप मुझे भी लखपति बनने का आशीर्वाद दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जाता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने साधु की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को दबाते हुए बोला, जल्दी आशीर्वाद दे वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। दीपक ने लौट कर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रख कर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पर पराठा रखा हर बार परिणाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लगे और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो गौरव ने दो नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा।